साथियों, नीतीश जी, पासवान जी, सुशील जी, एनडीए के हमारे इन सभी लीडरों के प्रयत्नों से, एनडीए के लगातार प्रयासों से बहुत मुश्किल से बिहार ने अपने पुराने दौर को पीछे छोड़ा है। जिन लोगों ने इस महान भूमि की पहचान बदल दी थी, वो ये चुनाव में केंद्र सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो छटपटा रहे हैं किसी भी तरह से अपने कुछ मेंबर की संख्या बढ़ाने के लिए। इसलिए मैं बिहार के लोगों को सावधान कर रहा हूं, उनकी ताकत बढ़ाने का मतलब है बिहार में फिर से लूटपाट के दिन उस दौर को वापस लाना, उनकी ताकत बढ़ाने का मतलब है बेटियों का अपहरण, गुंडागर्दी, हत्याएं, हर योजना में भ्रष्टाचार। उनकी ताकत बढ़ाने का मतलब है सूरज ढलने के बाद अपने ही घर में कैद हो जाना, गुठ गुठ के जीना, पलायन के लिए मजबूर होना। बिहार को इन लोगों ने यही दिया है। आज फिर से ये लोग अपनी जीत दृष्टि जमाए हुए हैं बिहार पर। ये बिहार को जाति में बांटकर, समाज को बांटकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। वो अपने भ्रष्टाचार को, अपने काले कारनामों को छिपाना चाहते हैं। उनका लक्ष्य है कि किसी भी प्रकार से दिल्ली में एक कमजोर, ढीली ढाली, मजबूर सरकार बने ताकि वो मनमानी कर सके। जो जेल में है, जो जेल के दरवाजे पर है, जो बेल पर है, जो बेल के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, वो सब केंद्र में एक मजबूत सरकार को एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते। लेकिन साथियों, ये चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान हमने चलाया हुआ है, उसकी रफ्तार धीमी नहीं पड़ेगी। जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, फार्म हाउस खड़े हुए हैं, उसका भी हिसाब देना होगा। इनको गरीब का लूटा एक एक पैसा लौटाना ही पड़ेगा। जिस तरह से मिशेल मामा को उठाकर लाए हैं, इनके बाकी चाचाओं को भी भारत आना ही पड़ेगा। बीते 5 वर्ष में इन लोगों को बेल लेने के लिए मजबूर किया है, बेल तक पहुंचाया है, अब
जेल भी भिजवाने की पूरी तैयारी है।